नमस्कार और स्वागत है आपका चेंज इंडिया में। यहाँ हम अपने नए प्रधानमंत्री के लिए एक एजेंडा तैयार करेंगे, जिससे हमें ये विश्वास है कि हिंदुस्तान की तकदीर को बदला जा सकता है। आज का एजेंडा है भ्रष्टाचार का कैंसर, कैसे हिंदुस्तान को मुक्त करें इस भीषण बीमारी से। ये एजेंडा तैयार किया गया है विशेषज्ञों के एक ग्रुप के सहयोग से, जिनमें से आज दो विशेषज्ञ डॉक्टर किरण बेदी और प्रोफेसर दीपांकर गुप्ता हमारे साथ हैं। धीरज नैयर भी इस पैनल में है, जो कि इस सारी व्यवस्था के सूत्रधार हैं। एक बहुत ही अनुभवी स्टूडियो ऑडियंस भी है, जिसमें कई व्यक्ति तो वो हैं जिन्होंने ट्विटर और थिंक इंडिया वेबसाइट पर अपने आइडियाज कंट्रीब्यूट करे हैं। यहां पर मैं ये कहूंगा कि अगर आप भी इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर और हमारी वेबसाइट thinkindia.in.com पर अपने आइडियाज भेजें और हम आपको भी अगले शोज में इन्वाइट करेंगे। डॉक्टर बेदी, ये लोकपाल का जो बिल नया पास किया गया है, इसमें थोड़ा सा विवाद है कि ये कितना इफेक्टिव रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि काफी इफेक्टिव चेंजेस आए हैं, कुछ कहते हैं कि जो अल्टीमेट था कि सीबीआई का भी पूरी तरह से ऑटोनॉमी देनी चाहिए, वो नहीं हुआ। तो आपके आपकी असेसमेंट में किस तरह का इम्प्रूवमेंट हुआ है? जब से हम आजाद हुए, एक ही मैसेज था कि हमारी सीबीआई जो है वो सरकार के पोलिटिसाइजेशन से मुक्त नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी जो ऑपोजिशन में बैठती थी, ये आरोप लगाती थी जो पार्टी इन पावर है कि सीबीआई उनके हाथों में जी। तो उसको मुक्त करने के लिए ही सारा अभियान था पिछले 3 साल से। खासकर आपने देखा है, हर भारतीय किसी ना किसी प्रकार इस मूवमेंट से जुड़ा हुआ था, जो जिसको हमने इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट हुआ, लोकपाल के लिए, ताकि एक ऐसा ग्रुप बने, एक ऐसी देखरेख, एक ऐसा वॉचडॉग बने जो इस सीबीआई को, जो तफ्तीश की एजेंसी है, एक मुख्य सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा पिंजरे का तोता, इस साल उन्होंने कहा केज पैरेट, तो उसके लिए इस सीबीआई को, जिसके पास हजारों काबिल पुलिस ऑफिसर्स है, अनुभवी पुलिस ऑफिसर्स है, तफ्तीश जानते हैं, एक डायरेक्टर सीबीआई, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जब एंटी करप्शन के काम को देखे तो ये 8 मेंबर बॉडी इसको, इसकी निगरानी करे, ना कि सरकार, ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी। ये 8 मेंबर बॉडी, 4 मुख्य जजेस, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और 4 एमिनेंट लोग जो कानून जानते हैं, फाइनेंस, विजिलेंस, तफ्तीश जानते हैं, वो 8 लोग जिनको सिलेक्ट किसने किया, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, स्पीकर, एक एमिनेंट जूरिस्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने 8 लोग चुने। उसके पीछे भी एक सर्च कमेटी, सो सर्च कमेटी से थ्रू सिलेक्ट होते हो 8, इसी को, पिंजरे को, तोते को आजाद करें। दैट मीन्स इसके पास क्या क्या है, लोकपाल के पास क्या क्या है, अपने कानून, अपनी प्रोसिक्यूशन, कोई सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं, अपना बजट। जो ये मामला इस तोते को, जो तो पहले तोता कहते थे, सीबीआई को देगा, उसकी रिपोर्ट ये लोकपाल को ही देंगे। सो अब बीच में से जो पहले मीटिंग कर लेते थे कई बारी लॉ मिनिस्टर, वो कभी नहीं हो सकता। सो जो 3 साल से हम लोग, सारा देश मांग रहा था, वो आज पार्लियामेंट में 18 दिसंबर को पास किया। कई लोग कहते हैं कि क्योंकि सरकार अभी भी कंट्रोल करती है सीबीआई को और सीबीआई ऑफिसर्स के ट्रांसफर और पोस्टिंग को, तो सरकार का अभी भी हस्तक्षेप रहेगा। सिर्फ नहीं, पोस्टिंग जरूर आएगी, थ्रू सीवीसी आएगी जी, वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आएगी, छांट के आएगी, लेकिन आफ्टरऑल हजारों आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उनको छांटने अगर लोकपाल करे तो लोकपाल क्या करेगा, उनको छांट के देगी सीवीसी, ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो भी लोकपाल के अधीन है, लेकिन ट्रांसफर नहीं कर सकेगी। अगर वो काम, वो ऑफिसर, मान लीजिए कोई डीआईजी है, एक केस में इन्वेस्टिगेट कर रहा है, लोकपाल से पूछे बिना वो ट्रांसफर नहीं कर सकती। ये नया संशोधन राज्यसभा ने पास किया जब डिबेट हुई, तो ये भी जो कमी थी वो पूरी हो गई। तो प्रोफेसर गुप्ता, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जो इफेक्टिव ऑटोनॉमी है, ये एक लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी शायद पूरी नहीं है सीबीआई के पास, इफेक्टिव है क्योंकि लोकपाल जो उनको, जो लोकपाल वाले केस है उसमें सीबीआई को पूरी ऑटोनॉमी दी गई है, तो क्या इफेक्टिव रहेगा? मेरे ख्याल से इफेक्टिव रहेगा, मैं इनके साथ पूरे सहमत हूं कि ये जो लोकपाल बिल है, इसमें काफी कुछ उन्होंने एडवांस किया जो पहले बात चल रही थी। और बस एक ही मुझे बात कहनी है कि बहुत लोग सोचते हैं कि ये कामयाब नहीं रहेगा क्योंकि काफी एम्बिशियस है, यूटोपियन भी है, तो इनको मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडोनेशिया में इसी तरह का चीज कामयाब हुआ है। और ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों को इन्होंने एम्प्लॉय भी किया, करीबन 600 लोग हैं बस, और इंडोनेशिया के करप्शन केसेस काफी घट गए। और इसलिए मैं समझता हूं कि अगर सीबीआई को जरा सा और ऑटोनॉमी दिया जाए तो उसमें वो इन्वेस्टिगेटिव जो अथॉरिटी है उसको ज्यादा ऑटोनॉमी होगी, ताकि प्रोसिक्यूशन भी कर पाए ठीक तरह से। राइट, धीरज आपका असेसमेंट?
देखिए डेफिनेटली एडवांस है, भ्रष्टाचार पिछले 4-5 सालों में बहुत उभर के आया है, कोई काउंटर तो जरूरी था। और ये इंडोनेशिया का एग्जांपल बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि वहां भी सरकार यहां के जैसे काफी भ्रष्ट इंस्टीट्यूशंस भ्रष्ट हो गए थे, लोग भ्रष्ट हो गए थे, और वहां पे काफी हाई प्रोफाइल पूर्व मंत्रियों को, पुलिस ऑफिसर्स को, कई लोगों को जेल भेजा गया है। तो लोकपाल का पहला टेस्ट होगा कि कुछ केस ले, कन्विक्शन तक पहुंचे, लोग जेल जाएं। जब ये होगा तब लोगों का विश्वास होगा कि ये लोकपाल अलग है सीबीआई से, ये लोकपाल कुछ कर सकता है, भ्रष्टाचार कम होगा। तो यहां का कंसेंसस तो ये है कि ये आइडियल ना हो, ना भी हो, लेकिन इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा है और काफी इफेक्टिव एक लॉ जरूर बना है। तो मैं ऑडियंस से पूछना चाहता हूं कि आपने जो डिबेट सुनी, आपको लगता है कि ये इफेक्टिव लोकपाल होगा? कौन कहता है हां? जितने लोग हां कहते हैं हाथ उठाइए। तो आई थिंक काफी इसमें काफी काफी प्रतिशत ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि इफेक्टिव है, तो ये तो एक पॉजिटिव मूवमेंट हुई। अब दूसरा जो जो पॉइंट हमारे पास है वो है आधार कार्ड का। अब आप सब लोग जानते हैं कि बायोमेट्रिक आइडेंटिटी से लोगों को लोगों को दिया जा रहा है, जिससे कि जो जो लोग नकली तरीके से कुछ फायदे ले लेते थे सरकार के, वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब आपकी आइडेंटिटी जो है वो बायोमेट्रिक हो गई है। लेकिन इसका एक क्रिटिसिज्म ये आता है कि जब आपने 30-40 करोड़ लोगों को बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन तो दे दी, लेकिन आपका बैंकिंग नेटवर्क जो है वो अभी इतना विस्तार नहीं हुआ है, और जो प्रिवेसी के लॉज हैं वो भी अभी आपने नहीं बनाए हैं, क्योंकि लोगों की अब लोगों की आइडेंटिटी जो है सरकार के पास चली गई है। तो कितना आपको लगता है डॉक्टर बेदी ये नेगेटिव हैं स्कीम के? असली टेस्ट सरकार का ही होता है कि जब आप एक नई स्कीम लाएं तो जो जो उसके साथ रिलेटेड है वो भी उसी गति पे चले। आधार गति की आधार फास्टर गति पे चला, लेकिन जो बाकी बैंकिंग सिस्टम्स और बाकी ने जुड़ना था वो स्लो रहे या पता नहीं अलाइनमेंट में नहीं रहे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप एक नई स्कीम लाएं तो बाकी सरकार के डिपार्टमेंट्स में अलाइनमेंट में आए, वो अभी नहीं हुआ है। सेकेंडली ये मैं कहूंगी कि आधार बड़ा इंपॉर्टेंट एक आइडेंटिटी कार्ड है, क्योंकि बायोमेट्रिक्स पे उसका कोई चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि आप पहचाने जाएंगे अगर आप झूठ बोल रहे हैं, इसकी सख्त जरूरत है। लेकिन आम व्यक्ति को अभी भी और समझने की जरूरत है, जिसके लिए मैं समझती हूं एक कंट्रोल रूम नंबर भी खोलें, आधार नंबर, कभी भी कोई इसमें असुविधा हो, कुछ पूछना हो तो नंबर 500 घुमाए, 5000 घुमाए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। मैं समझती हूं उसकी सख्त जरूरत। तो ये जो बात डॉक्टर बेदी ने कही कि एक तो बहुत तेज चल रहा है जो स्कीम है, 30-40 करोड़ लोगों को कर दिया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है अपने आप में, लेकिन जो उसके जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शायद अभी उतनी तेजी से नहीं चल पा रहा है, और वो शायद कमी रहे स्कीम में। मेरे ख्याल से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डॉक्टर बेदी कह रही है वो सही है, पर्टिकुलरली बैंकिंग में भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, और इसलिए अगर ठीक ठाक से ना चले, अगर गति से ना चले, फिर इसका बदनाम भी हो सकता है, हम वो नहीं चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि आधार कार्ड का एक कमी है, वो है कि अगर किसी के पास आधार कार्ड हो, वो आधार कार्ड से बैंक अगर अकाउंट खोलना चाहे तो उसी एरिया में जहां पर एड्रेस है वहीं पे खोल सकता है, कहीं और खोलने में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, बैंक ऑफिसर के डिस्क्रेशन पे है ये वो अलाउ करें या ना करें। इसको मेरे ख्याल से तो काफी बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है। हाँ, इसको उनको कुछ करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में बहुत लोग माइग्रेट बहुत करते हैं, हमारी कंट्री कैजुअल लेबर है, कैजुअल लेबर कितने हैं, 5 बिलियन लोग रेलवे की टिकट खरीदते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो कमी है इसको दूर करना चाहिए। और आखिर में जो प्रिवेसी का सवाल आपने उठाया, प्रिवेसी लॉ जरूर होनी चाहिए, पर मुझे नहीं लगता है कि आधार से आपका प्रिवेसी इन्वेड हो रहा है। बहुत जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेमोक्रेसीज हैं, वहां पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि आपको डिलीवरी दे, आपको हेल्थ दे, आपको एजुकेशन दे, तो उनको चाहिए कि आपके बारे में कुछ नॉलेज हो। तो मुझे नहीं लगता कि आधार कार्ड बाई इटसेल्फ प्रिवेसी पे एक इन्वेजन है, पर प्रिवेसी लॉ हाँ जरूर होनी चाहिए। धीरज, एक आधार स्कीम का एक जो क्रिटिसिज्म और आता है कि स्कीम अपने आप में तो बहुत अच्छी है, लेकिन अल्टीमेटली इंटेंडेड बेनिफिशियरी जिसको ट्रांसफर करना है, स्कॉलरशिप देना है या एनआरईजी वेजेस देनी है, कुछ भी सरकार की स्कीम अगर देनी है, तो बेनिफिशियरी तो अभी भी स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करेगी। तो वो जो प्रॉब्लम है वो तो अभी भी बनी रहती है कि अगर आपका बेनिफिशियरी ही गलत है तो फिर आप उसको सही से पैसा देंगे, लेकिन पैसा तो तब भी गलत आदमी को मिलता है। इनफैक्ट प्रॉब्लम वो बढ़ सकती है, क्योंकि फिर जो सरकार का डिस्क्रिप्शन है खाली उस जगह पे रहेगा कि कौन बेनिफिशियरी है या नहीं है, तो आप बीपीएल है या नहीं है, आप स्कॉलरशिप को डिजर्विंग है या नहीं है, ये कोई ब्यूरोक्रेट या मंत्री ही डिसाइड करेंगे। तो वहां पे अभी भी भ्रष्टाचार का स्कोप है, लेकिन उसको
पूरी तरह एलिमिनेट किया भी नहीं जा सकता। बेस्ट केस सिनारियो है कि कुछ स्टैंडर्ड आंकड़े इकट्ठे करें, अच्छी तरह आंकड़े इकट्ठे करें, अच्छी तरह आइडेंटिफिकेशन करें, लेकिन आधार में कमियां हैं, इंप्लीमेंटेशन की कमियां हैं, ये बात नहीं है, लेकिन फिर भी इन कमियों की वजह से इसे छोड़ नहीं देना चाहिए, इसे फेंक नहीं देना चाहिए, कमियों को एड्रेस करना चाहिए, कमियों को ठीक करना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत होता है। जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं 100 से भी ज्यादा हैं शायद, केंद्रीय सरकार की स्कीमें जो गरीबों को पैसा देती है या पैसा नहीं खाना देती है, और इनमें बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। तो आधार ही एक तरीका है जिससे यह भ्रष्टाचार कम हो सकता है, इसलिए इसको मजबूत किया जाना चाहिए। कमजोरियां हैं लेकिन इसको कमजोरियों की वजह से अबैंडन नहीं करना चाहिए, बल्कि इसमें थोड़ा और एनर्जी झोंकने की जरूरत है। एक और पॉइंट बताना है, वो है कि आधार कार्ड के माध्यम से हम प्राइवेट सेक्टर जो पेमेंट वेजेस देते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर वेजेस इनफॉर्मल लेबर है, वो फॉर्मल लेबर हो जाएगा अगर आधार कार्ड के थ्रू से दिया। तो आप कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में भी उसको इम्प्लीमेंट करना विल बी अ मेजर स्टेप फॉरवर्ड। तो ऑडियंस से मैं पूछना चाहूंगा, किन किन लोगों के पास अपना आधार नंबर मिल चुका है? अच्छा, तो मोर देन 50% को आधार नंबर मिल चुका है, मेरे को भी मिल चुका है। आप में से किसी ने यूज करा है जल्दी बताएं, आपने यूज करा है? आपने भी यूज करा है? आपने बैंक अकाउंट खोलने में? तो इट इज बीइंग यूज्ड, बट एज यू सेड इट नीड्स टू बी इंप्रूव्ड। तो ये तो थे हमारे एजेंडा नंबर 1 और 2। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी वेबसाइट thinkindia.in.com पे भी जाइए, कंट्रीब्यूट करिए, और फिलहाल यहीं पे रहिए क्योंकि हम अभी एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे।